हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स जरूर देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको पीछे के पार्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपको आगे के पार्ट्स अच्छी तरीके से समझ नहीं आएंगे। जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन में जाएंगे, तो जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं होगी, तब तक आपको न्यूमेरिकल सेक्शन समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? देखिए, पार्टनरशिप के फीचर्स में भी हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप का जो जन्म होता है वो एग्रीमेंट से होता है। अब ये जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। लेकिन जो ओरल एग्रीमेंट है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट क्रिएट करता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो, रिटन में हो, ड्यूली साइन हो और पार्टनरशिप एक्ट के अंडर में रजिस्टर करवाया जाए। जब एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म का क्या नाम होगा और फर्म का क्या एड्रेस होगा, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होता है। अब जहाँ तक सवाल है, कई बार फर्म्स की कुछ ब्रांचेस भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर यह भी मेंशन करना पड़ेगा कि फर्म का हेडक्वार्टर कहाँ होगा और फर्म की ब्रांचेस कहाँ कहाँ होंगी, उनके एड्रेस भी मेंशन करने होंगे। सेकंड, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, कि कौन कौन पार्टनर्स जो हैं वो इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टिसिपेट हैं, तो उनके क्या क्या नेम हैं और उनके क्या क्या एड्रेस हैं वो भी मेंशन करने होंगे, ताकि कोई भी थर्ड पार्टी है उन्हें कभी भी ज़रूरत पड़ सके तो वो उन पार्टनर्स के को जान सकती है और उनको डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है। थर्ड, द टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म प्रपोजेस टू डू, कि जो फर्म जो है वो किस टाइप का बिजनेस करने जा रही है, उसका क्या नेम होगा, क्या टाइप होगा, क्या नेचर होगा, ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। यानी कि फर्म कपड़े का बिज़नेस करेगी या किराने का बिजनेस, ग्रोसरी का बिज़नेस करेगी या किसी मोबाइल बेचने का काम करेंगे, किस टाइप का भी बिज़नेस करेंगे ये बताना ज़रूरी है। और टाइप और उसकी नेचर क्या होगी, नेचर से मतलब है वो ट्रेडिंग बिजनेस होगा या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा या सर्विसिंग बिजनेस होगा, उसकी नेचर क्या होगी ये मेंशन करना ज़रूरी होता है। नंबर फोर्थ, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर, यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि जो पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लगाएंगे, ये बताना कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा है। क्योंकि जब तक ये मेंशन नहीं होगा तो आगे जाके दिक्कत आ सकती है कि किस पार्टनर को ज़्यादा कैपिटल लगानी है या किस पार्टनर को कम कैपिटल लगानी है। तो अगर पहले से ही अगर डीड में मेंशन होगा कि इस पार्टनर को इतनी कैपिटल लगानी है, तो आगे जाके कोई डिस्प्यूट होने का रीज़न नहीं रहेगा। नंबर फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पहले तो ये तय करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर ये डिसाइड हो जाता है कि दिया जाएगा तो किस इंटरेस्ट रेट से दिया जाएगा, यानी कि 6% इंटरेस्ट रेट से दिया जाएगा या 7% इंटरेस्ट रेट से दिया जाएगा या 10% इंटरेस्ट रेट से दिया जाएगा, ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। नंबर सिक्स आता है ड्राइंग्स, यहाँ पर यह मेंशन करना ज़रूरी है कि क्या पार्टनर जो है ड्राइंग्स कर सकते हैं, यानी कि पैसा पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर यस, तो कितना विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिमिट का मेंशन करना ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है एक पार्टनर जिसने पैसे तो सिर्फ 50,000 रुपये लगाए हैं, लेकिन वो ड्राइंग्स जो है वो 1.5 लाख रुपये कर रहा है, तो ऐसा तो कोई पार्टनर बिजनेस के लिए यूज़फुल नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है कि एक पार्टनर ड्राइंग्स कर सकता है तो वो अपनी कैपिटल का कितना परसेंटेज तक ड्राइंग्स कर सकता है, ये मेंशन करना जरूरी है। नंबर सेवन्थ आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से मतलब है कि जो ड्राइंग्स है उस पर क्या इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी। अगर यस, तो चार्ज करेगी तो कितने परसेंट से चार्ज करेगी, यानी कि 6% इंटरेस्ट चार्ज करेगी या 7% इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ये भी रेट ऑफ मेंशन करना जरूरी है। नंबर एट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होते हैं। क्योंकि जब शुरू में पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो यही होता है, क्योंकि पार्टनर्स जो हैं वो आपस में या तो फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, इसलिए शुरुआत में तो ये होते हैं कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। बड़ा आसान होता है,
तो नेचुरली बात है वो चीज़ों को लिखने में अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि क्या लिखा पढ़ी करने की ज़रूरत है, हम तो दोस्त हैं, हम तो रिलेटिव्स हैं एटसेट्रा। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन करना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना आए। फर्म का जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन पार्टनर्स, ये पहले से मेंशन होना चाहिए। नंबर 9, सैलरी। ये भी तय करना पड़ेगा कि जो बिजनेस को चला रहे हैं पार्टनर, क्या उनको उनके काम के बदले में सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अगर दी जाएगी तो कितने अमाउंट की दी जाएगी, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना ज़रूरी है। नंबर 10, गुडविल। देखिए कुछ केसेस में जो है गुडविल रेज करनी होती है, स्पेशली जब पार्टनर एडमिशन लेता है उस केस में, या फिर पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है, तो उस केस में गुडविल का वैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है। गुडविल को वैल्यूट करने के कई मेथड्स होते हैं, तो यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी है कि गुडविल जो है वो किस मेथड से वैल्यूट की जाएगी, उसको मेंशन करना ज़रूरी है। नंबर 11th, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी है कि जो फर्म का अकाउंटिंग पीरियड होगा वो कौन सा होगा, यानी फर्म जो है वो अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगी। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर, और फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। कोई भी पीरियड फर्म जो है डिसाइड कर सकती है। यहाँ तक कि जो छोटे लेवल की फर्म्स हैं वो अपना बिजनेस दिवाली टू दिवाली भी मेंटेन करती हैं, कुछ फर्म्स अपना होली टू होली मेंटेन करती हैं, तो पीरियड जो है वो मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन टैक्सेशन के हिसाब से, एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से, हर एक फर्म को अपने जो अकाउंट्स हैं वो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च बनाने ज़रूरी है। नंबर 12, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट्स। जो फर्म्स के अकाउंट्स हैं वो किस तरीके से रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसके लिए क्या मेथड यूज़ किए जाएंगे, वो पहले से ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन होने चाहिए। और फिर इन अकाउंट्स को किन कस्टडी में रखा जाएगा, कहाँ पर रखा जाएगा, ये भी मेंशन होना चाहिए। नंबर 3, ऑडिटिंग। देखिए पार्टनरशिप फर्म्स के अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराना ज़रूरी नहीं है जैसा कि कंपनी में होता है, लेकिन अगर चाहें तो पार्टनर्स अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा सकते हैं, क्योंकि ऑडिट करवाने से जो अकाउंट्स के ऊपर ट्रस्ट है वो बढ़ जाता है। अब ऑडिट कराने के लिए हमें ऑडिटर अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो ऑडिटर कौन होंगे, उनके अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना ज़रूरी है। नंबर 14 आता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म जो है किस दिन शुरू हुई है, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना ज़रूरी है कि पार्टनरशिप जो है किस तारीख से स्टार्ट हुई है, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना ज़रूरी है। नंबर 15, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए है, तो उस ड्यूरेशन को मेंशन करना ज़रूरी है कि ये पार्टनरशिप 3 साल के लिए है या 5 साल के लिए है या 7 साल के लिए है। और जब ये टाइम पीरियड पूरा हो जाए तो चाहे तो पार्टनर उसको टाइम ड्यूरेशन को रिन्यू कर सकते हैं और पार्टनरशिप को कंटिन्यू रख सकते हैं। नंबर 16, यूज़ ऑफ डिसीजन गार्नर वर्सेस मरे। देखिए ये एक केस था जो फोरन में हुआ था, जिसमें एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था, तो उस डिस्प्यूट में एक जजमेंट दी गई थी, तो उस जजमेंट को फेमस है गार्नर वर्सेस मरे के नाम से। तो हमें ये करना पड़ेगा कि क्या हमारे अगर पार्टनरशिप फर्म में अगर आगे जाके इंसॉल्वेंसी आती है, तो क्या उस इंसॉल्वेंसी केस में गार्नर वर्सेस मरे का रूल एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ये पहले से तय करना होगा। नंबर 17, बैंक अकाउंट्स। अब यहाँ पर यह तय करना होता है कि जो बैंक में अकाउंट्स खोले जाएंगे वो फर्म के नाम से खोले जाएंगे या पार्टनर के नाम से खोले जाएंगे। फिर उन अकाउंट्स में साइन किसके चलेंगे, क्या किसी पर्टिकुलर पार्टनर के चलेंगे या हर एक चेक पर सभी पार्टनर के साइन करने होंगे या कुछ पार्टनर्स के साइन ही अलाउड है, तो ये सब कुछ मेंशन करना ज़रूरी है ताकि आगे कोई डिस्प्यूट ना क्रिएट हो। नंबर 18, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जैसा कि हमने फीचर्स में भी डिस्कस किया था कि कोई भी पार्टनर तब तक एडमिट नहीं हो सकता जब तक कि सभी पार्टनर्स एग्री ना हो, तो कोई भी नया पार्टनर जब आएगा तो उसके लिए क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, उसको कितनी कैपिटल लानी होगी, ये सब कुछ पहले से ही मेंशन होना चाहिए। 19th, रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट। देखिए जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो नेचुरली उसका जो भी हिस्सा है, जो भी कैपिटल है या प्रॉफिट में शेयर है या गुडविल में जो शेयर है, वो उसको किस तरीके से दिया जाएगा, यानी कि रिटायरमेंट के तुरंत उसको ये पैसे नकद दे दिए जाएंगे या फिर उसके अमाउंट का एक लोन अकाउंट तैयार कर दिया जाएगा और फिर उसको किस्तों में पेमेंट की जाएगी। यानी कि जो रिटायरमेंट पे जो सेटलमेंट होगा वो किस टाइप से होगा, ये भी तय करना ज़रूरी है। लास्ट आता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। मान लीजिए हमने इतने सारे जो प्रोविज़न है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिए हैं और उसके बावजूद
पार्टनर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं, उनके बीच में क्वेरल हो जाता है, तो उसका सेटलमेंट कहाँ किया जाएगा? तो उसके लिए पहले से ही तय कर सकते हैं कि कोई आर्बिट्रेजी या कोई ऐसा कोई पर्सन जिसको सभी पार्टनर मानते हों, तो जो भी वो जो पर्सन है, एक बुजुर्ग आदमी है, ओल्ड एज पर्सन है, वो जो भी हमें डायरेक्शन देगा हम उसको मान लेंगे, या फिर कोर्ट में, तो कोर्ट भी कहाँ की होगी, जहाँ पर हमारा हेड ऑफिस है वहाँ के कोर्ट में हम केस कर सकते हैं या कहाँ केस कर सकते हैं, ये मेंशन करना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको पार्टनरशिप डीड का टॉपिक और पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्लियर हो गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए, पार्टनरशिप डीड की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि अगर मान लीजिए हम ये सारे जो कंटेंट्स हमने पढ़े हैं ये नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क रहता है एक झगड़ा होने का, एक क्वेरल होने का, एक डिस्प्यूट क्रिएट होने का। सबसे पहला आता है क्लैरिटी अबाउट राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से ही ये सारे कंटेंट्स मेंशन है, तो हर एक पार्टनर को पता होता है कि मेरा क्या राइट है, मेरी क्या ड्यूटी बनती है, मेरी क्या लाइबिलिटी रहेगी, जिससे कि पार्टनर्स में आपस में कोई भी डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सेकंड, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मिसअंडरस्टैंडिंग किस पॉइंट्स पे होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग इस पॉइंट पे होती है जस्ट लाइक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर होती है, या इंटरेस्ट कैपिटल पर होती है, या फिर ड्राइंग्स पर होती है। लेकिन जब आपने ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखे हैं, तो जो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखे हैं उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को हमने फॉलोअप करना है, तो पार्टनर्स का आपस में किसी भी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग होने का कोई चांस ही नहीं रहता। थर्ड, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट ईजिली। अगर मान लीजिए इसके बावजूद अगर मान लीजिए डिस्प्यूट क्रिएट हो भी जाता है, तो उसका सेटलमेंट बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो जज जो है वो आपसे पार्टनरशिप डीड से पूछेगा, और जब पार्टनरशिप डीड में वो टॉपिक मेंशन होंगे, जस्ट लाइक किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, नहीं देनी है, देनी है तो कितने अमाउंट की देनी है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, देना है तो कितने परसेंट से देना है, तो आप चाहे कुछ भी बोलते रहें, आप कुछ भी कहते रहें, जो उस डीड में मेंशन है, तो जज उसी टाइम उसी डीड के अकॉर्डिंग ही अपनी जजमेंट दे देगा, तो जो डिस्प्यूट का सेटलमेंट है वो बहुत जल्दी और इजीली हो जाएगा। आई होप आपको पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई होगी। अब डिस्कस करते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मान लीजिए पार्टनर से गलती हो जाती है कि वो पार्टनरशिप डीड बनाना रह जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पार्टनरशिप जब शुरू होती है तो बड़ी भाई बंदगी में होती है, दोस्तों के बीच में होती है, रिलेटिव्स के बीच में होती है। लेकिन अगर मान लीजिए उनसे ये गलती हो गई तो अब क्या होगा, अब उन टॉपिक्स पर हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर मान लीजिए उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो जो प्रॉफिट्स है वो सभी पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। डजेंट मैटर कि किस पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल लगा रखी है, किस पार्टनर ने कम कैपिटल लगा रखी है, कौन सा पार्टनर ज़्यादा देर तक बिजनेस को पार्टिसिपेट करता है, बिजनेस को कंडक्ट करता है, इनकी बिजनेस में चलाने में पार्टिसिपेट करता है, दुकान पर बैठता है, और कोई पर्सन दुकान पर बहुत कम बैठता है, डजेंट मैटर, प्रॉफिट जो है सभी पार्टनर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। मुझे पता है, नेचुरली बात है, जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाई है उसको बहुत नुकसान होगा, उसके लिए बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्यों उसने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। अब नहीं बनाई तो उसको भुगतना पड़ेगा। नंबर टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, पहली बात तो यह है, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं है, तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है कि इस रेट से मिलेगा, तो वो भी तभी मिलेगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किसी भी पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है। नंबर फोर्थ, सैलरी टू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो किसी भी पार्टनर को, चाहे वो कितनी ही बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता हो, बिजनेस के लिए काम करता हो, उसको कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं होगी। नंबर फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मेंशन नहीं है, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी, तो इस केस में जो इंटरेस्ट लोन है वो 6% पर एनम से दिया जाएगा, और ये इंटरेस्ट लोन हर हाल में दिया जाएगा, चाहे फर्म को लॉस भी क्यों ना हो। यानी कि इंटरेस्ट कैपिटल की तरह नहीं है कि जब फर्म को प्रॉफिट हो तभी इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं, अगर फर्म को लॉस भी हुई है तब भी इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर सिक्स, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। देखिए, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर तभी तक होगा जब सभी पार्टनर एग्री हैं। अगर जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं है,
न्यू पार्टनर एडमिट फर्म में नहीं कर सकता। नंबर 7, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर को बिजनेस में कंडक्ट करने का, बिजनेस को चलाने का पूरा हक है। कोई भी अदर पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर्स को बिजनेस में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकता। नंबर 8, इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स। हर एक पार्टनर को ये पूरा राइट है कि वो बिजनेस के अकाउंट्स को चेक कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है। तो अगर मान लीजिए अब पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, तो फिर भी इस पार्टनर को ये पूरा राइट है कि वो अपने अकाउंट्स को आसानी से चेक कर सकता है और उसकी फोटोकॉपी ले सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्लियर हो गए होंगे। रेफरेंस के लिए आप बुक आर्य पब्लिकेशन की डीके गोयल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज हमने टॉपिक जो डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारे फेसबुक चैनल गुलियानी क्लासेस पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी हमें ईमेल भी कर सकते हैं गुलियानी क्लासेस @gmail.com पर। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू।